स्पाइडरमैन नोयर एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो कि 1930 में एग्जिस्ट करता है और ये न्यूयॉर्क सिटी की स्ट्रीट्स को क्राइम से प्रोटेक्ट करता है। और एक दिन जे जॉना जेमसन इसको हायर करता है एक मर्डर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और नोयर केस को इन्वेस्टिगेट करते करते एक लेडी से मिलता है जिसका नाम था मैरी जेन वाटसन। और नोयर इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है और पता लगाता है कि इन सब मर्डर्स के पीछे गॉबलिन का हाथ है। गॉबलिन जो कि एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है नॉर्मन ऑसबॉर्न, और वो मैरी जेन की हेल्प से गॉबलिन को हराता है। उसके बाद तुम्हें पता ही है एक किस, उसके बाद दोनों अपने अपने सेपरेट रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये स्टोरी थी स्पाइडरमैन नोयर की। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको किस स्पाइडरमैन की स्टोरी चाहिए।